NIOS के इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर जैन बालिया जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय से आपके सम्मुख कोर्स 504 के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि गणित शिक्षण से संबंधित है, आपके सामने इसके बारे में बातचीत करने के लिए हूँ। गणित शिक्षण अधिगम में पाठ्यपुस्तक की क्या भूमिका होती है? अभी हम बहुत सारे वीडियो लेसन्स में हमने आपसे बात की, शिक्षण अधिगम जो गणित के विषय में है, पाठ्यक्रम की हमने बात की, हमने ये बात की कि गणितीयकरण कैसे हो सकता है, इन सब विषयों पर हमने आपके साथ विस्तार में बातचीत की। उसी से संबंधित आज हम एक ऐसे माध्यम की बात करने जा रहे हैं जिसकी सहायता से हम गणित या किसी भी विषय के शिक्षण अधिगम में उसको हम सुसंगठित करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं, एक उसका साधन है। और पाठ्यपुस्तक की भूमिका हर विषय में एक अलग रूप में होती है। आज हम बात करेंगे गणित शिक्षण अधिगम में पाठ्यपुस्तक की भूमिका। इसके अंतर्गत जो हमारे उद्देश्य होंगे इस लेसन के, वहाँ पर हम बात करेंगे कि पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता क्यों होती है गणित में एज विषय के रूप में। हम ये भी बात करेंगे कि पाठ्यपुस्तक का प्रयोग कैसे करना चाहिए अध्यापक को, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि एक अच्छी प्रभावशाली गणित की पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, जिसमें हम आंतरिक विशेषताओं और बाहरी विशेषताओं की बात करेंगे। डियर लर्नर्स, सर्वप्रथम मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की क्या भूमिका है, और जो भी शिक्षण अधिगम हमारा प्रणाली होती है वहाँ पर किस तरह का उसका एक प्रयोग किया जाता है। पाठ्यपुस्तक की अगर हम इतिहास की बात करें, आप सभी जानते हैं कि गुरुकुल के समय से ही जब शिक्षा दी जाती थी, उस वक्त भी कहीं ना कहीं जो एक संप्रेषण का जो एक माध्यम था वो कुछ पत्र होते थे। पत्र अर्थात वृक्ष की पत्तियां होती थी, और उस पर जो आचार्य होता था अपने शिष्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान या उनको अभ्यास वगैरह कराते थे। और उस वक्त भी उन लिखी हुई जिस पर वो उनके शिष्य कुछ लिखते थे उनको कहीं ना कहीं समायोजित करते थे, क्रमबद्ध रखते थे, और क्रमबद्ध रखने के बाद उसी के अनुसार कहीं ना कहीं विचारों का या जो भी उनके अनुभव थे उनको संचय किया जाता था। तो पाठ्यपुस्तक का इतिहास, उसका जो एक ओरिजिन है, उसके बारे में हम जब बात करते हैं तो बहुत पुराने से हम बात करते हैं। आज के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं, आज की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं डियर लर्नर्स, तो अब तो ई बुक्स आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स भी आ गई हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यपुस्तक मानव की एक महत्वपूर्ण रचना है। मनुष्य अपने अनुभवों, विचारों और अनुभूतियों का पुस्तक के रूप में संचय करता है। हम पुस्तक की बात पहले करेंगे। पुस्तक को एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने अनुभव, अपने विचार, अपनी अनुभूतियाँ, अपना जो एक दृष्टिकोण है उसको कहीं ना कहीं हम उसमें प्रदर्शित करते हैं, कहीं ना कहीं उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी पुस्तक का अध्ययन करते हैं, जब हम कोई पुस्तक देखते हैं, तो ऐसा कहीं ना कहीं हम बात करते हैं। परंतु हमारा जो विषय है वो है पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक स्पेशली या विशेषता हम विषयों से संबंधित जो स्कूल की हम परिवेश की हम जब बात करते हैं, किसी विद्यालय की या विश्वविद्यालय की परिवेश की बात करते हैं, किसी शैक्षिक संस्थान की बात करते हैं, तो वहाँ पर पुस्तक एक जो कंटेंट है, जो एक विषय वस्तु है, उसका एक समायोजित संग्रह है जो क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, और जिसको एक छात्र या एक अध्यापक पढ़ता है, इसीलिए इसको हम पाठ्य पुस्तक बोलते हैं। यानी वो विषय जिसको कि पढ़ा जाए, उसका पाठ किया जाए, उसका अध्ययन किया जाए, उसको हम पाठ्य पुस्तक बोलते हैं, अन्यथा कोई भी संग्रह पुस्तक हो सकता है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान संचय का साधन है जिसका लाभ
नई पीढ़ी को होता है। ज्ञान संचय का साधन है, पुस्तकों के माध्यम से संचित ज्ञान को शिक्षक अपने छात्रों को प्रदान करता है। और साथ ही साथ ये भी बात कही जाती है कि मानवीय ज्ञान संचय एवं संचार का साधन पुस्तक है। जो भी मानवीय ज्ञान है उसका संचय और संचार, ये दो चीज़ें हैं कि हम पहले संचय करते हैं, प्रिजर्वेशन, हम उसको इकट्ठा करते हैं ज्ञान को, उसके बाद उसका संचार यानी उसका प्रसार, और उसका और आगे उसको हम प्रसार में लाते हैं, प्रचार करते हैं उसका। ये हमारे अलग अलग उद्देश्य होते हैं और उसके अनुसार ही हम लोग कहीं पाठ्य पुस्तक को रचना करते हैं। तो एक अपना जो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के संचय और ना सिर्फ संचय बल्कि उसके संचार यानी प्रचार और प्रसार बहुत आवश्यक है, और तभी ज्ञानवर्धन होता है, तभी ज्ञान में वृद्धि होती है, तभी हमारा एक संप्रेषण जो है वो एक हमारा परिणाम लायक होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा संप्रेषण कुछ हमको फल दे रहा है। डियर लर्नर्स, हमने बात की शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के स्थान की, आइए अब आगे हम बात करते हैं गणित अधिगम की। मैंने पीछे भी दो तीन वीडियोस में आप लोगों के साथ बात की है इसी रियलिटी प्रोग्राम में कि गणित जो अधिगम है वो क्या है, और उसमें जो हमारे अधिगम के जो हमारी पहलू हैं वो क्या हैं। हमने ये भी बात की है कि जीवन का हमारा कोई भी क्षेत्र जो है वो गणित विषय से अछूता नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी हमारा पहलू नहीं है, कोई हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई स्थिति नहीं है हमारे जीवन की जहाँ पर मैथमेटिक्स का उपयोग या उसका प्रयोग ना होता हो। तो ये हमको मान के चलना पड़ेगा, जो गणित अधिगम है, जो हमारे कक्षा में जो अधिगम होता है उसका हमारे कक्षा के बाहर जो जीवन है उसके साथ बिल्कुल निश्चित सा संबंध है, ये समझना पड़ेगा। और ऐसे ही संबंध को हम लोग कहीं ना कहीं अपनी पाठ्यपुस्तक में प्रदर्शित करने का पूरा प्रयास करते हैं। पाठ्यपुस्तक सिर्फ एक कक्षा के कार्यों का संकलन नहीं है, पाठ्यपुस्तक सिर्फ कक्षा में कुछ चीज़ें कराई जाएँ उसका संचय नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के जितने अनुभव हैं, जितनी अनुभूतियाँ हैं, और इसमें जो गणित छुपी हुई है, और गणित की सहायता से हम उस जीवन के उस पहलुओं को कैसे, उसका हल कैसे ढूंढें, उन सब का एक साधन है, माध्यम है, ये हमको समझना पड़ेगा। डियर लर्नर्स, गणित विषय की दैनिक जीवन में उपयोगिता वाले पहलू को देखा जाए तो ऐसा कोई कार्य नज़र नहीं आता जहाँ बिना गणित के कुछ संभव है। ये आप सब जानते हैं, आप सब इसके साथ सहमत होंगे, मजदूर हो, किसान हो, कोई दुकानदार हो, कोई नौकरी करने वाला हो, चाहे कोई महिला हो, पुरुष हो, बच्चे जिसने शिक्षा प्राप्त की हो या नहीं भी की हो, सभी अपनी ज़िंदगी में गणित का बखूबी प्रयोग करते हैं और करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। साथ ही साथ ये भी हम बताना चाहेंगे आपको कि गणित अधिगम के कुछ और भी पहलू हैं, कि जो गणित विषय है उसकी प्रकृति में अवधारणाओं की अमूर्तता और सर्पिलाकर क्रमबद्धता, सार्वभौमिकता और गणित के विषय में ज्ञान निर्माण में निगमनता तर्क शामिल हैं। निगमन की हम जब बात करते हैं, दो बहुत प्रचलित हमारे पहलू हैं गणित विषय से या किसी भी विज्ञान से, और वो हैं जिसकी हम बात करते हैं, आगमन और निगमन। तो हम पहले तथ्यों का आगमन करते हैं और फिर निगमन। जब हम निगमन करते हैं, जिसको डिडक्टिव बोलते हैं, वहाँ भी तर्क लगते हैं, जिसको हम लोग निगमनात्मक तर्क बोलते हैं। तो गणित विषय की प्रकृति में सब चीज़ है, वहाँ अवधारणाओं की अमूर्तता है, ठीक है, सर्पिलाकार क्रमबद्धता है, जिसको हम लोग स्पाइरल सीक्वेंस बोलते हैं, एक ऐसा क्रमबद्धता है जिसमें कि हम आखिरी बिंदु पर पहुँचते हैं लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली पहुँचते हैं, और इन सब चीज़ों का ख्याल कहीं ना कहीं हमारी पाठ्य पुस्तक में रखने की आवश्यकता है। और हम बहुत पहले आपसे पाठ्यचर्या की भी बात कर चुके हैं, पाठ्यक्रम की भी बात कर चुके हैं, उसी के संबंध में ये आज हम पाठ्यपुस्तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम का एक अंग है, उसका एक हिस्सा है, इसलिए बहुत सारी बातें आप लोगों ने उस लेसन में जो सुनी है, जो समझी है, उसके साथ इसको संबंध जोड़ने का प्रयास करें। गणित हमें तर्क करना, समस्या का समाधान ढूंढना और करना, बेहतर विकल्प तलाशने और सामान्यीकरण करने में मददगार होता है। सामान्यीकरण अर्थात जनरलाइजेशन, हम किसी भी चीज़ का जनरलाइजेशन करते हैं। जैसे हम ये मान के चलते हैं
कि जो हमारा त्रिभुज है उसके सभी कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री है। अब ये एक सामान्य एक तथ्य है, सामान्यीकरण के बाद आया होता तथ्य। इसको जब हम लोग किसी मैथमेटिक्स की गणित की कक्षा में कराते हैं तो हम वहाँ आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम लोग उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें कि जीवन में जितनी भी हमारे पहलू हैं उसमें सामान्यीकरण होता है। तो हम ये देखते हैं बच्चों को क्लास में अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स दे दिए जाते हैं, त्रिभुज दे दिए जाते हैं, और उनसे ये कहा जाता है कि इनके जो कोण हैं, इनको जो एंगल्स हैं, इसका सम निकालें, इसका योग निकालें। और वो जब निकालते हैं तो किसी बच्चे के जो कोण हैं वो 60, 70 और 50 डिग्री होंगे, 60, 70, 50 डिग्री। किसी का होगा 80, 40, 60 डिग्री। अलग अलग तरह के आपने उनको त्रिभुज दिए हुए हैं, परंतु अंततः जब हम सामान्यीकरण करते हैं तो जितने भी त्रिभुज दिए गए, ट्रायंगल्स दिए गए, सभी में उन तीनों कोणों का सम जो था, योग था, वो 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री था। ये एक सामान्यीकरण है। ये इसको हम लोग सामान्यीकरण बोलते हैं कि किस तरह से हम किसी भी तथ्य का सामान्यीकरण करते हैं। इसके लिए जो हमारी शिक्षण अधिगम है वैसा होना चाहिए। ऐसी सोच विकसित करने में गणित हमें कौशलों और तौर तरीकों को सिखाता है कि हमारे अंदर वो कौशल होने चाहिए, हमारे वो तौर तरीके होने चाहिए कि हम किसी भी जीवन के पहलू को स्वीकार करने से पहले उस पर तर्क करें। तर्क करने के आधार पर ही हम किसी जीवन के किसी पहलू को विश्वास में लें या उस पर भरोसा रखें। गणित की ऐसी खूबी से स्कूली गणित का महत्व अनिवार्य विषय के तौर पर मजबूत होता है। आपको मालूम होगा हमारे देश में 10वीं कक्षा तक गणित एक अनिवार्य विषय है। कई बार उस पर बहुत वाद विवाद होता है। कुछ लोग कहते हैं मैथमेटिक्स एक, मैंने पहले भी आपके साथ कुछ वीडियो लेसन्स में इस पर चर्चा की है कि गणित एक, गणित के बारे में ऐसी आशंकाएं, ऐसा भय का वातावरण पैदा हो चुका है कि भी गणित एक बहुत मुश्किल कठिन सब्जेक्ट है, विषय है। लेकिन ऐसा है नहीं, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। गणित तो एक जीवन का जीने का ढंग है और इसको हमको आनंदमय बनाना है, और उसके लिए कहीं ना कहीं पाठ्यपुस्तक की भूमिका बहुत स्पष्ट है और बहुत समझ में आती है कि किस तरह से होनी चाहिए। उसकी हम चर्चा भी आपसे करने जा रहे हैं। लेकिन अभी हमने ये सीखा, समझा कि गणित अधिगम के ये पहलू हैं कि जहाँ पर तर्क की बात होती है, जहाँ पर अनिवार्यता की बात होती है, जहाँ पर कौशल की बात आती है, तो वहाँ पर हमारे अध्यापक, हमारे टीचर्स को ये प्रयास करना है कि शिक्षण अधिगम जो है वो गणित में के क्षेत्र में अच्छा होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व की। जब हमने बताया आपको कि पाठ्यपुस्तक का जब निर्माण होता है, पाठ्यपुस्तक तो पाठ्यक्रम का, पाठ्यचर्या का हिस्सा है। जब पाठ्यपुस्तक लिखी जाती है तो बहुत सारे चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उसका आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है? तो हमारे जो निश्चित उद्देश्य होते हैं, चाहे वो हमारे ओवरऑल देखा जाए या गणित विषय से संबंधित जो हमारे निश्चित उद्देश्य हैं, उसकी प्राप्ति करने के लिए हमारी पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता होती है। अदरवाइज़ क्या होगा कि हर स्टूडेंट के अलग अलग उद्देश्य होंगे और उस उद्देश्य की प्राप्ति में कहीं ना कहीं कुछ अंतर या गैप्स आ जाएंगे। अध्यापकों एवं विशेषज्ञों के अनुभव का समन्वय, ये जो पाठ्यपुस्तक है उसमें जो लिखने वाले जो लोग होते हैं, जो उसका निर्माण करने वाले लोग होते हैं, वो बहुत अनुभवी अध्यापक होते हैं, वो बहुत अच्छे विशेषज्ञ होते हैं। वो उनके अनुभवों का संचय है, उनके अनुभवों को हम समन्वय करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। उसमें अध्यापक भी होते हैं, अध्यापक के अलावा कुछ और सीनियर लोग भी होते हैं जो लोग इस तरह की पुस्तकों को लिखते हैं, और उनके अनुभव और वो अनुभव किसी तर्क पर आधारित हैं, तार्किक और मनोवैज्ञानिक क्रम में सुव्यवस्थित होती है इसमें अधिगम सामग्री। क्योंकि हम जब शिक्षण करते हैं, शिक्षण अधिगम में कहीं हम जुड़े होते हैं, तो मस्तिष्क में हमेशा एक प्रश्न आता है कि इसके लिए हमारे पास सामग्री कहाँ से आएगी, और वो भी सुव्यवस्थित सामग्री कहाँ से आएगी। अगर हमको कोई एक टॉपिक या कोई विषय पढ़ाना है गणित में, कहाँ से हम लेके चलेंगे, किस तरह से लेके चलेंगे? और उसके लिए कहीं ना कहीं ये पाठ्यपुस्तक एक बहुत तार्किक और मनोवैज्ञानिक क्रम में सुव्यवस्थित आवश्यक अधिगम सामग्री है। साथ ही साथ कई बार अध्यापकों को, बल्कि करना चाहिए अध्यापकों को, जब पाठ योजना बनानी होती है,
तो पाठ योजना के लिए उनको कुछ विषय वस्तु चाहिए, विषय वस्तु से संबंधित उनको कहीं ना कहीं कुछ शिक्षण अधिगम की बात पता होनी चाहिए कि वो उस सिचुएशन में कर किया था, ऐसे किया था, और इस सब जानने के लिए कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक का अपना एक अलग रोल है। तो पाठ योजना में ये सहायक है अध्यापकों के लिए। साथ ही साथ सरल एंड प्रयोगात्मक भाषा में अधिग्रहण सामग्री उपलब्ध होती है। पाठ्यपुस्तक की मैं हमेशा आगे चलकर हम इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे कि जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए। अब सरल और प्रयोगात्मक जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज है उसमें ये उपलब्ध होती है अधिगम सामग्री, अन्यथा अधिगम सामग्री तो बहुत जगह उपलब्ध है, लेकिन चूंकि पुस्तक लिखी जाती है, ऊपर हमने एक बिंदु में कहा अध्यापक जो एक विशिष्ट अध्यापक हैं, विशेषज्ञ, उनके अनुभवों का समन्वय है, तो उनके जो अनुभव हैं उनके अनुभव को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। उस अनुभव को हम लोग सरल और प्रयोगात्मक भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, ये हमारा इस तरह का पाठ्य पुस्तक में होता है। साथ ही साथ बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अधिगम आधारित सामग्री भी होती है। अब आप देखिए पाठ्य पुस्तक जो होती है हर कक्षा की अलग अलग होती है। हम एक विषय वस्तु है मान लिया वृत्त, सर्कल जिसको आप बोलते हैं, वो सर्कल का कॉन्सेप्ट या ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट जो है वो हम बच्चे को दूसरी क्लास में भी देते हैं, पहली क्लास में भी देते हैं, चौथी क्लास में भी देते हैं, टेंथ में भी पढ़ाते हैं, ट्वेल्थ में भी पढ़ाते हैं। हाँ, अंदाज अलग अलग है, स्टाइल अलग अलग है, अधिगम अलग अलग है। तो कैसा अधिगम हो किस कक्षा में उस बच्चों के लिए, इसका निर्धारण करने में भी गणित की एक पाठ्य पुस्तक का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके अतिरिक्त गृह कार्य का आवंटन, जो गृह कार्य होता है कितना अभी कैसे दिया जाए, आवंटन कैसे किया जाए और सफलतापूर्वक कैसे पूरा कराया जाए बच्चों से, उसके लिए कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक का और यानी पाठ्य पुस्तक का बहुत बड़ा रोल है। अध्यापक और बच्चों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध होता है। अध्यापक जो होते हैं बच्चों के साथ जो उनका संबंध है वो सामंजस्य स्थिति में रहे, इक्विलिब्रियम रहे, बहुत अच्छा रहे, और उसके लिए ज़रूरी है कि एक माध्यम जो है बच्चों और अध्यापक के बीच में, हमने एक वीडियो लेसन में बात की है आपसे कि अध्यापक और बच्चों के बीच में मधुर संबंध होना चाहिए। वो मधुरता कैसे आएगी, जब तक कहीं ना कहीं एक कोई माध्यम होगा, और जो बुक है खासकर वो बच्चे के पास एक माध्यम होता है जिससे वो सोसाइटी के साथ या अपनी इमीडिएट सोसाइटी यानी उसके पेरेंट्स यानी उसके टीचर्स के साथ अच्छे उनके संबंध हो। परीक्षा के आयोजन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब भी अध्यापकों को कोई प्रश्न पत्र लेना होता है, उनको पता होता है कि इस पुस्तक में ऐसे लिखा हुआ है, इसके ये पैरामीटर्स हैं, इसका इस तरह से क्वेश्चन की भाषा क्या हो जिससे बच्चा समझ पाए, क्योंकि बच्चा अभ्यास तो उसमें कर रहा है। तो परीक्षा के आयोजन में कहीं ना कहीं इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। जब जो पेपर सेटर्स होते हैं, जो पेपर्स बनाते हैं, वो भी पाठ्य पुस्तक का सहारा लेते हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं वो भी पाठ्य पुस्तक का सहारा लेते हैं, और जो उस पुस्तक को पढ़ाने में सहयोग करते हैं अर्थात टीचर्स, वो भी पास पाठ्य पुस्तक का सहारा लेते हैं। तो पाठ्य पुस्तक तो एक माध्यम है। अब आगे हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्रमुख बात है, और वो है गणित पाठ्य पुस्तकों के गुण या विशेषताएँ। तो डियर लर्नर्स, पाठ्य पुस्तक को हम विशेषताओं के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं जिससे कि आप इसको बेहतरी से समझ पाएंगे, एक आंतरिक विशेषताएं और बाहरी विशेषताएं। जब आंतरिक विशेषताओं की बात करते हैं हम लोग, किस तरह की आंतरिक विशेषताएं होनी चाहिए, तो ये कहा जाता है कि जो पाठ्यक्रम है हमारा उसके अनुसार ही होनी चाहिए टेक्स्ट बुक, उसके अनुसार हमारी जो पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए जिससे कि हम किसी भी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करें, हमारे उसी अंदाज में, जिस स्टाइल में, जैसे टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी अंदाज में हम लोग पढ़ाते हैं जैसा करिकुलम बोलता है। तो निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होती है, बच्चों के सामर्थ्य और रुचि के अनुसार होती है। प्रयास ये होता है कि जो और इसीलिए हर कक्षा की पुस्तक अलग अलग होती है। आप कभी मैथमेटिक्स की, गणित की फिफ्थ की पुस्तक देखिए, पहली पाँचवीं क्लास की और आठवीं क्लास की देखिए, कई बार टॉपिक हेडिंग हो सकता है सेम हो, वहाँ भी हमने बच्चों को सर्कल पढ़ाया, यहाँ भी सर्कल पढ़ा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सामर्थ्य और उनकी रुचि के अनुसार वैसे विषय वस्तु या वैसे टॉपिक बांटे जाते हैं। निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, निर्धारित होते हैं, सर्टेन होते हैं,
और उस बेसिस पर ही बुक का निर्माण किया जाता है। कई बार आप देखते होंगे ऐसी बहुत सारी बुक मिलती हैं मैथमेटिक्स पर या सोशल स्टडीज़ पर या किसी और विषय के ऊपर, लेकिन वो एक्चुअली नहीं यूज़ की जाती है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो सिद्धांत हैं उसका ख्याल नहीं रखा गया। हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है जिसको हम लोग पाठ्य पुस्तक बोलते हैं, पाठ्य पुस्तक में इन सब चीज़ों का ख्याल किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं तार्किक क्रम के अनुसार हो, जब हम लोग जो अंदर हमने विषय वस्तु लिखी होती है अलग अलग सब्जेक्ट की, तो वो बहुत ध्यान रखना है कि वो एक तर्क के अनुसार किसी क्रमबद्ध की जाए। अगर क्रमबद्ध नहीं होगी तो वो अच्छा उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो मनोवैज्ञानिक और तार्किक क्रम के अनुसार भी वो रखी जाती है। दैनिक जीवन की आवश्यकता, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो प्राकृतिक वातावरण हो, उसके अनुसार होती है। ये आप सब जानते हैं कि हम लोग जो जब कभी पाठ्यपुस्तक की रचना करते हैं तो जो हमारा जीवन है, जीवन से जुड़ी हुई आवश्यकताएँ, जीवन से जुड़ी हुई सामाजिक, जीवन से जुड़ी हुई प्राकृतिक वातावरण को देखते हैं, उसके अनुसार ही हम लोग पुस्तक का जो विषय वस्तु है या पुस्तक का भी, और बातें आएंगी बाहरी उसमें क्वालिटीज़ में, लेकिन उसका हम ख्याल रखते हैं। और ख़ास बात और कि जो आधुनिक गणित है डियर लर्नर्स, वो आधुनिक गणित के सिद्धांतों और तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। दोनों चीज़ों का ख्याल रखना, जो बिल्कुल मॉडर्न मैथमेटिक्स आपकी है और मॉडर्न मैथमेटिक्स है आपकी, आधुनिक मैथमेटिक्स है और जो आपकी इस वक्त मैथमेटिक्स चल रही है, उसको कोशिश करें कि वो चीज़ वैसे वैसे उसमें वो बदलाव आते रहें टेक्स्ट बुक्स में। अगर हम कई टेक्स्ट बुक्स क्यों रिवाइज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें आधुनिकता रहे, और ख़ासकर हर क्षेत्र में, चाहे वो गणित हो चाहे विज्ञान हो चाहे इतिहास हो चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, कहीं ना कहीं बदलाव, कहीं ना कहीं चेंज लाने की आवश्यकता तो होती है। देन जो हमारा परिभाषाएं हैं उसमें लिखी हुई है, जो उसमें सूत्र लिखे हुए हैं, जो उसमें तथ्य लिखे हुए हैं, वो स्पष्ट और निश्चित शब्दों में होनी चाहिए। अगर उसकी भाषा स्पष्ट नहीं होगी, भाषा में अनिश्चितता होगी, भाषा में तार्किक उसके लिए कुछ नहीं बात होगी, तो कहीं ना कहीं वो एक विवाद का कारण भी बन सकता है। चिन्हों और संकेतों का समुचित प्रयोग होना चाहिए। जो चित्र होते हैं, जो संकेतक होते हैं, उनका बहुत अच्छा प्रयोग होना चाहिए, समुचित प्रयोग होना चाहिए टेक्स्ट बुक में। जब भी हम लोग पाठ्यपुस्तक की बात करते हैं ऐसा होना चाहिए। अब आइए हम बात करेंगे बाह्य विशेषताओं की, जो उसकी बाहरी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो बाहरी विशेषताओं में हम बात करते हैं तो जो पाठ्यपुस्तक है उसका जो आकार है वो कक्षा के अनुसार होता है। अब आप देखेंगे जो प्राथमिक कक्षाएं हैं और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में पुस्तकों का जो आकार है वो बड़ा होता है। ज्यों ज्यों क्लास बढ़ती जाती है तो आकार थोड़ा सा सीमित होता जाता है, छोटा होता जाता है, लेकिन उसकी बाकी आकार जो है, उसकी जो मोटाई है वो बढ़ती जाती है। तो ये सबका जो है ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, समुचित आकार और बनावट का। बनावट कैसी हो, जो पहला प्रश्न मुख्य पृष्ठ है उस पर कौन से चित्र छापने हैं, किस तरह की क्लास हो, और साथ ही साथ जो कागज़ का प्रयोग हम लोग करते हैं वो भी उत्कृष्ट स्तर का होना चाहिए। ऐसे नॉर्मल या सामान्य स्तर का कागज़ नहीं होना चाहिए, उत्कृष्ट स्तर का होना चाहिए, क्योंकि वो उत्कृष्टता जो है बच्चे को कहीं ना कहीं मोटिवेट करके रखती है। बच्चे का जो एक हुजूम होता है उस चीज़ को देखते हैं कि किस तरह का कागज़ का स्तर होगा, और उसके हिसाब से उनको उसमें इंटरेस्ट बनता है। कई बार ऐसा होता है कि कागज़ का जब उत्कृष्ट स्तर करेंगे तो शायद उसकी जो कॉस्ट है उसका जो मूल्य है बढ़ जाएगा। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आसान उपलब्धता भी होनी चाहिए। जो उपलब्धता है वो आसान होनी चाहिए, पुस्तक आसानी से उपलब्ध हो जाए। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब बुक्स प्रकाशित होती हैं तो बुक्स फिर वो उपलब्ध नहीं होती और बच्चा उससे वंचित रह जाता है। साथ ही साथ जो किताबें जब लिखी जाती हैं, पाठ्यपुस्तक लिखे जाते हैं जब, तो उसका जो संस्करण है उसमें नवीनता लानी होती है, नवीन संस्करण होने चाहिए। 2-3 साल बाद संस्करण को हमने रिवाइज़ करना चाहिए। ये एक बाह्य विशेषता इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत खास है, और जो उसका मूल्य है वो उसका साधारण होना चाहिए। खासकर कि हमारे जो भारतीय जो परिवेश है उसके अनुसार होनी चाहिए। तो ये इसकी कुछ बाह्य विशेषताएं हैं। तो हमने आंतरिक विशेषताओं की बात की और हमने बाह्य विशेषताओं की बात करी। जो आंतरिक विशेषताएं हैं वो उसके विषय वस्तु से ज़्यादा संबंधित है, लेकिन आकार की बात करें, उसके मूल्य की बात करें, उसके और दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करें, उसके लिए हम लोग हमेशा कहते हैं
कि ये इसकी बाह्य विशेषता है, और दोनों का ख्याल रखा जाता है। जो लोग भी इसके साथ संबंधित हैं, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे अध्यापक जो क्लास में लेते हैं क्लासेस, और जो अध्यापक किसी एसोसिएशन के साथ जुड़े होते हैं, उनको ऐसे अवसर मिलते हैं पाठ्यपुस्तक लिखने के या पाठ्यपुस्तक बनाने के, और पाठ्यपुस्तक प्रयोग करने में भी ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। डियर लर्नर्स, आज हमने आपके साथ कोर्स 504 में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात की, और वो था पाठ्यपुस्तक का निर्माण कैसे करें, उसके सिद्धांत क्या हों, और इसका प्रयोग कैसे करें। प्रयोग करने की बात मैंने आपसे बीच बीच में करी कि किस तरह का हमारा प्रयोग होना चाहिए, हमारा किस तरह से उसको प्रयोग में लाना चाहिए हमारे पाठ्यपुस्तक को। इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप लोग कोर्स 504 में जो आपका इस यूनिट में टॉपिक है उसको और विस्तार से पढ़ेंगे और इसको जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से पाठ्यपुस्तक हमारे जीवन का एक माध्यम है। गणित और हमारे बीच में जो पुल है उसका काम पाठ्यपुस्तक करती है। धन्यवाद। नमस्कार।